हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं हम तीनों, और हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि जाना कहाँ है। हम डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाए। चलते हाँ, बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद हमने डिसाइड किया है एक रेस्टोरेंट जाने का। उसका रास्ता हमने पता नहीं है, चले जाएंगे किसी न किसी तरह, और यहाँ हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। इतना सज धज के लोग हमें घूरे जा रहे हैं, और कोई सीटी भी मार रहा है। सीटी मार रहा है यार, गलत बात है, सीटी वीटी नहीं मारो भाई। एक ऑटो आ रहा है, वो खाली आ रहा है, ये तो हमें तो बैठा यार। ओ भैया, अरे यार ये क्या बदतमीजी है, उधर क्यों चला गया ये यार। हमें ऑटो मिल ही नहीं रही है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें ऑटो मिल जाए। 7 किलोमीटर दूर हमारा रेस्टोरेंट है, एक किलोमीटर तो ऐसे ही आ गए, अब सोच रहे ऑटो की ज़रूरत ही नहीं। उम्मीद है अब हमें ऑटो मिल जाएगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ओह माय गॉड, सो मच स्ट्रगल। एक ऑटो आ तो रही है, प्लीज़ प्लीज़ रोक दो प्लीज़। अरे यार, अरे रोक दो भाई, और भगवान क्या आ रहा है, एक भी ऑटो खाली नहीं आ रही है। प्लीज़ प्लीज़ रोक दो भैया, और रोक दो भैया प्लीज़। पर बदतमीज़ है यार, एक भी ऑटो नहीं रुक रही। भैया आप ही रोक दो भैया प्लीज़, भैया ओ भैया खाली ऑटो, रोक दो भैया रोक दो प्लीज़ प्लीज़। ये ऑटो रुक गई हमारे लिए, फाइनली हमें ऑटो मिल गई। हम रेस्टोरेंट के बीच बीच से आ रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ घुमा रही है ये हमें। यार पहुँच गए हम, यार कहाँ पहुँच गए। जीपीएस वाला बता रहा था अराइव्ड, मैं क्या करती। हम पहुंच गए फाइनली, और हमें जो ऑटो मिली थी ना वहाँ पे, उसमें एक अंकल थे, वो भी बहुत प्यारे अंकल थे, लेकिन उन्होंने हमें गोवर्धन चौराहे तक ही छोड़ा। हमने बोला कि हाईवे प्लाजा तक छोड़ दो, लेकिन वो बोले कि नहीं उनको कुछ काम है, हम दूसरी ऑटो करके आए हैं। पहुँच गए, हम फैमिली रेस्टोरेंट हैं, हम फैमिली के साथ आए हैं। फ्रेंड्स का लिखा है उसमें, हम ही है ना फ्रेंड्स। ये फैमिली रेस्टोरेंट में ऐसे बॉडी दिखाई जाती है, बताओ भला। जिम में होगी तो यहाँ पे यार, बस यही है, चल ले अब नीचे देख के, नीचे देख के। यही है ना, वही तो यार, ये तो जिम लग रहा है, ये तो जिम है। हमें रेस्टोरेंट के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और करो एक्सप्लोर नई नई जगह। एक ही जगह कितनी बार जाए, मुझे लगा आवाज आ रही है, ऊपर ही होगी, ये तो जिम है, ऊपर है, लिफ्ट आ गई आज। अरे यार वापस क्यों चली गई लिफ्ट, उसकी बारी थी, खुलना तो चाहिए था ना। हाँ खुल गई, खुल गई। अरे वही बंद, क्या बात है, गाने सुना के मारेंगे। अगर हम लिफ्ट के अंदर फंस गए तो क्या करेंगे बता, कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें बचाने चिल्लाएंगे तो आवाज भी नहीं निकलेगी यार। यार ये घर है किसी का, हो गया क्या, यार कोई है क्यों नहीं यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए, ढूंढने के बाद आप जाके हम यहाँ पहुँचे, स्ट्रगल करने के बाद। Why
हमारे लिए खाना आ चुका है। ये रियर ड्रिंक्स जब लाया ना वो, फिर हमसे रिव्यू लेने आया था कि ये अच्छा है नहीं है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लगा मन किया भाई याद बोल दूँ, लेकिन ऐसे मुँह पे बुराई नहीं कर सकते ना, तो फिर हमने बोल दिया कि अच्छा है। और वो अभी भी मुझे घूरे जा रहा है पता नहीं क्यों वो देख रहा है कि क्या करें। खाना स्टार्ट कीजिए, वेट किस बात का है, आप भी खाना स्टार्ट कीजिए, वेट किस बात का है और ज़ोरों की भूख लग गई है और हम वेट कर रहे हैं कि कोई तो स्टार्ट करे फिर खाना खाए हम। यार स्टार्ट करो यार, उठा दियो यार। यार कैसे मैनेजमेंट है, ये टूटी हुई प्लेट हमें दी गई है, हो गया दंगा। हाँ रख दे, और ये देखो बिल्कुल ही ऑड है, ये कैसी आवाज़ है, ये कैसा म्यूजिक बजा रखा है। देख के ना हम कह रहे थे कि यहाँ पे कोई बली वली चढ़ती है क्या हमने बिल्कुल खाना पीना सब कुछ खा लिया है, अब बस थोड़ी बहुत फोटोग्राफी हो रही है और बिल का वेट कर रहे हैं हम लोग। वैसे यहाँ की लाइटिंग बहुत ही ख़राब है, फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, गाना ही बज रहा है सब से आया। पी के और ये रेस्टोरेंट के ना लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत गंदी गंदी फोटोज आई है, मैं दोबारा नहीं लाऊंगी। खाना तो टेस्टी था, खाना सही था, खाना सही था। इसके फोन ने बहुत हेल्प की है क्योंकि इसका नया नया फोन है और बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रियंवदा। हाँ जो भी फोटोज आई है इसी के फोन से आई है, पता नहीं। हाँ यार सही बात है। और अब हम लोग कहाँ जाएंगे, पानी पूरी खाने जाएंगे, जाएंगे ढंग से पेट नहीं भरा यार, खाना छोड़ के आए हम। मन वाला मन नहीं भरा, हाँ मन नहीं भरा, भले कितना भी पेट भर जाए मन नहीं भरा, वो पानी पूरी खाने के बाद ही भरेगा। कितना गंदा रास्ता है, वाओ सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ना ये वाला एक इस तरह से लैंडस्केप में चाहिए। तेरे साथ या नेचुरल सिर्फ ओनली? दोनों की प्रोटेक्शन करती हूँ। थैंक यू सो मच नैन्सी, तू हमारी प्रोटेक्शन कर रही है। यार इतना कुछ मिल गया तुझे इस फोन में, फिर भी तुझे संतोष नहीं है। यहाँ पे चाय सुट्टा बार है जिसके आगे सिर्फ लौंडे हैं, सिर्फ और सिर्फ लौंडे हैं। ये खाने वाला जोन है, यहाँ सिर्फ खाने पीने की चीजें मिलती है। नैन्सी फुटपाथ पे चलने वाली बातें को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेते हुए बंदे हील पहन के चल रही है इसके ऊपर देख रही कॉन्फिडेंस। और हम चल रहे हैं अभी गोलगप्पे खाने, फिर उसके बाद हॉस्टल वापस। ये देखो कमीने दोस्त, मैं हील पहन के चल रही हूँ इसलिए थोड़ा स्लो चल रही हूँ, ये लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, मेरे लिए रुक जाओ मैं हील पहन के चल रही हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ यार मुझे आदत नहीं, मैं पहली बार हील पहन के चल रही हूँ ना मार्केट। ये देखो ये स्लोमो स्लोमो पीपल आ रहे हैं, प्रेमवदा नवल सागर नैन्सी वर्मा पर चीखते चिल्लाते हुए हमें इतना चला चला कर ला रही है, लेकिन हमसे भी गलती हुई, हम बात करने के धुन में अपोजिट साइड में चल दिए। वी हैव टू डू इट, पानी पूरी के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हुए, प्रियंवदा जी क्या कहना चाहेंगी आप? काफी स्ट्रगल भरा था आज का दिन। हाँ आज मज़ा आया, हाँ वो जगह अच्छी थी वैसे, बस वहाँ पे फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी वो अलग बात है, और मेरी वीडियोज भी अच्छी नहीं बन रही थी वो अलग बात है, लेकिन जगह अच्छी थी। एक ब्लॉगर की इससे ज़्यादा घटिया जगह कौन सी हो सकती है? हाँ तो अच्छी नहीं आ रही वीडियो, अच्छी नहीं बन रही, वही तो क्या कर सकते हैं, लेकिन चलो मज़ा आया जो भी था अच्छा था। ये धुआं धुआं सा रहने दो, क्या यहाँ पर आग लगी है प्रिया?
तेरे लिए हॉस्पिटल है। और हम फाइनली पहुंच गए अपने मंजिल पे गोलगप्पे खाने के लिए। ओ गॉड, इतना स्ट्रगल करके आए यहाँ, मेरे पैरों की हालत खराब हो गई। और हम ये चल पड़े हैं, क्या है तीसरी वाली यहाँ पे, और हम वापस जा रहे हैं। आज तुझे इसको देख के खुशी हो रही है, हमारे कॉलेज को देख के? ओ थक गई है इसलिए, वरना ऐसे हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती कभी भी कॉलेज जाके। क्योंकि आज हम चले बहुत ज़्यादा है ना, और हम फाइनली अपने कॉलेज पहुंच गए हैं। वैसे मन तो नहीं करता है कभी भी कॉलेज जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और हम हमेशा लेट होते हैं अपने टाइमिंग से, 5 बजे की हमारी टाइमिंग होती है। और अभी 5:50 हो रहे हैं यार, जल्दी आ गए हम। फिर भी मज़ा तो काफ़ी आया यार, बर्थडे रोज़ रोज़ होना, लेकिन यार रोज़ रोज पैसे नहीं होते हैं। यार सही में उसमें हमारा आधा घंटा वेस्ट हुआ है। और मैं आ गई फाइनली रूम, और आज का मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। मतलब ज़्यादा लोग थे नहीं, वो लोग भी रहते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तुम लोग को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी रहा अच्छा था। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। ओह माय गॉड, मैं बताया बाकी सारे बर्थडे में ना या तो घर पे रहती थी या फिर ट्रेन में रहती थी, कुछ कर ही नहीं पाती थी। और इस वाले में मैं हॉस्टल में हुई तो मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। और इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।